नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स के अप्पे। ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं और ये बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओट्स के अप्पे बनाने के लिए एक बर्तन में हम 2 कटोरी ओट्स लेते हैं। हम ओट्स को पीसेंगे नहीं, आप पीस भी सकते हैं, मिक्सी में थोड़ी देर ओट्स को चला भी सकते हैं। और उसमें हम करीब 1/4 कटोरी सूजी डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। इसमें हम कोई इनो या सोडा या इनो सॉल्ट वगैरह नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें करीब 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, अभी नहीं डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि सूजी और ओट्स ये दोनों ही पानी काफ़ी एब्जॉर्ब करते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए, थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ और ये अच्छे से मिला के इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए, ओट्स और सूजी को भीगे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक विस्कर से या फिर एक चम्मच से इसे अच्छे से फेंटेंगे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये देखिए, नमक थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब देखिए, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालना शुरू करते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। देखिए, मैं प्याज डाल रही हूँ और धनिया पत्ती और ये हरी मिर्च। इसे एक बार और फेंटते हैं। अब देखिए, ग्रेटेड गाजर, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब हम इसमें या तो कड़ी पत्ते काट के टुकड़े करके डाल सकते हैं। वैसे मेरे पास कड़ी पत्ते का पाउडर था, मैं ये डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। कड़ी पत्ते का पाउडर कैसे बनाते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारा अप्पे का मिक्स तैयार हो गया है। अब हम इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए एक चीज डालेंगे। ये देखिए, पनीर के क्यूब्स, छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स, ये सबसे अंत में डालिए और इसे थोड़ा सा और चलाइए। ये अप्पे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और स्टफी भी होते हैं, इससे अच्छा पेट भी आपका भरता है। अप्पे मेकर में हम थोड़ी सी ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे और अब हम अप्पे मेकर के सांचों में एक एक करके बैटर डालना शुरू करेंगे और सारे सांचों में बैटर डाल देंगे और इसे सिकने देंगे। और अब हम इनके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल से अप्पों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए, अप्पे हमारे एक तरफ से सिक गए हैं तो हम इन्हें पलटना शुरू करेंगे और एक एक करके सारे अप्पों को ऐसे पलट देंगे और इन्हें दूसरी तरफ से भी सेकते हैं। वैसे तो हम ये ऑयल फ्री बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हल्का सा ऐसे तेल डाल सकते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिके। देखिए, अप्पे हमारे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालते हैं और ऐसे ही और अप्पे बनाते हैं। ये देखिए, सेकेंड लॉट भी हम डाल देते हैं
और इसे सिकने देते हैं। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, अब हम इनको पलटते हैं और पलट के दूसरी तरफ से भी सिकते हैं। ये देखिए हमारा सेकेंड लॉट भी तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम चटनी बनाते हैं। अब देखिए उसके लिए थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती ली है, मेरे पास बस इतनी धनिया पत्ती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा धनिया पत्ती डलती नहीं है। और एक हरी मिर्च काट के डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये 3-4 लहसुन और करीब 3 चम्मच दही डालते हैं। और ये रहा नमक। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए पिस गया है। अब हम इसमें ये जो दही के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी चटनी तैयार। तो देखिए तैयार है हमारे ओट्स के अप्पे। ओट्स न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड होता है और इसके अप्पे बनाने देखिए बहुत आसान है। और ये जो मैंने चटनी बनाई है ये बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। मेरे घर इस चटनी को बहुत पसंद करते हैं ओट्स के साथ भी, और मैं ढोकले के साथ भी इसी चटनी को बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।